धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है, विष्णु दूत जो चार विष्णु दूत हैं वो बोल रहे हैं, तीन यम दूतों से बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि इतना ही जो है पर्याप्त है कि ये जो पापी है इसके जो है समस्त पाप का जो है निष्कृति हो गई है, यानी उद्धार हो गया, सब पापों से ये मुक्त हो गया है, केवल इतने से ही। क्या? यदा नारायणायति जगात चतुरक्षरम, चार अक्षर, नारायण नाम के चार अक्षरों का उच्चारण किया, बस चार अक्षर। कोई मतलब नहीं है कि नारायण नाम का क्या अर्थ है, किसको बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे, चार अक्षर, केवल चार अक्षरों का उच्चारण किया है इसने, और इतने से ही ये समस्त पापों से मुक्त हो गया है। एतावन में बस इतना, केवल इतना है ना, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी इसमें चुनौती मतलब है इस श्लोक में, बहुत बड़ी चुनौती है। तो उस समय क्या था, चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा दी, हरि नाम की शिक्षा दी और कीर्तन कराया, उन्होंने भी इसी बात को बताया कि नाम से ही तुम्हारी जो है मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो स्मार्थ ब्राह्मणों की फिर जो है बड़ी हालत ख़राब हुई, क्योंकि स्मार्थ ब्राह्मण है तो उनका काम होता है पूजा कराना, पाठ कराना, और कोई कर्म का दोष हो गया तो इसके लिए पूजा कराएंगे, इसके लिए पाठ कराएंगे, उनको जो है फिर वो उसमें पैसा मिलता है, तो उनका जो है वो व्यापार ही है अब जो है ठप हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल हरि नाम के द्वारा ही सब कुछ जो है इसमें पूर्णता है, हरि नाम में ही पूर्णता है, ये जब बता रहे हैं। तो फिर जो स्मार्थ ब्राह्मण हैं तो उन लोगों ने फिर जो है मुसलमान जो अधिकारी था चांद काजी, तो उसको शिकायत की है, और उसने कहा कि शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं, निमाई पंडित ऐसा कर रहे हैं, है ना, और हमारे हिंदू धर्म का जो है लोप हो जाएगा, तो इस तरह से चांद काजी को सिखाया। लेकिन चांद काजी ने जिन सिपाहियों को आदेश दिया कि इन जो है भक्तों को बंदी बनाओ और हरिनाम रोको, तो उसमें वर्णन ये आता है कि ये जो स्मार्ट ब्राह्मण हैं तो ये तो अपराधी हैं, नाम के अपराधी हैं, हैं, क्योंकि वे जानते हैं लेकिन तो भी वे जो है जानबूझ के बात को बदल रहे हैं, तो अपराधी हैं, हैं। लेकिन वो जो थे सैनिक थे चांद काजी के द्वारा भेजे गए कॉन्स्टेबल्स, वो थे जो कि कीर्तन बंद करा रहे थे, वो अपराधी नहीं थे, क्योंकि उनको आदेश मिला, आदेश के अनुसार कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं नाम की महिमा क्या है, और वो जो है अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और वो नाम को जो है बंद कराने जाते हैं तो नाम उनके मुँह से निकलने लगता है उनके मुँह से नाम निकलने लगता है, हैं। और वो जो है जो प्यादा बोलते थे प्यादा, वो प्यादा जो है चांद काजी के पास आए कि वो तो कीर्तन कर रहे हैं, बहुत कीर्तन कर रहे हैं, ये है वो है, हैं, तो वो भी हरे कृष्णा बोल रहा है। तो चांद काजी पूछते हैं कि तुम तो जो है ये कीर्तन बंद कराने गए थे तो तुम क्यों बोल रहे हो हरे नाम, तुम क्यों बोल रहे हो? तो कहता है वो कहता है मैं तो नहीं बोलना चाहता, अरे मेरे मुँह से निकल रहा है, वो पकड़ गया, पता नहीं हिंदुओं का जो है ये कैसा ये मंत्र है, ये जो है पकड़ लेता है, मुझे पकड़ लिया। तो अब इसमें क्या है कि अजामिल का जैसे मुँह से नाम निकल रहा था, अपराध नहीं हो रहा था और उसके मुँह से नाम निकल रहा था, तो अजामिल की रक्षा हो रही है। और ये जो मुसलमान प्यादे हैं इन्हें कुछ पता नहीं, वो अपने कर्तव्य का पालन कर, उनको आदेश मिला कीर्तन बंद कराने, कीर्तन बंद करा रहे, है ना। तो वो जो है मतलब बहुत डर करके आया, बहुत डरा हुआ घबराया हुआ आया, है। एक ने कहा कि जब मैं कीर्तन बंद करा रहा था तो जो है आकाश से एक जो है उल्का गिरा और मेरी दाढ़ी जल गई। तो फिर दूसरा जो है उसने भी ऐसी बताया कि ये दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना हुई। तो चांद काजी भी जो है बहुत डर गया, चांद काजी बहुत डर गया, उन्होंने अपने सब सिपाहियों को कहा अब तुम लोग जो है अपने घर में बैठ जाओ और कीर्तन बंद मत कराओ, कीर्तन चलने दो, तो अपने घर में बैठ जाओ। तो कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति जानता है और जान करके फिर जो है नाम की निंदा करता है ना, तो उनका तो जो है मतलब क्या है कि लाभ नहीं होता, उनको जो है नाम से लाभ नहीं होता और नाम का अपराध हो रहा है। और जिनको कुछ पता नहीं है, तो अजामिल कुछ पता नहीं, वो पाप कर रहा है और वो जो है नहीं सोच रहा है कि नाम के द्वारा मेरी जो है पापों से रक्षा हो जाएगी, वो नहीं सोच रहा है, तो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा है, तो अजामिल की रक्षा हुई।
और ये जो सिपाही लोग थे जो नाम कीर्तन बंद करा रहे उनकी भी रक्षा हुई, उनके मुँह से नाम निकल रहा है। तो एक सिपाही ने कहा कि मैंने तो इन हिंदुओं के लिए जो है ये हरी हरी कह करके जो है इनका मजाक उड़ाया था कि हरी हरी ये लोग बोलते हैं तो हरी हरी का मतलब ये होता है कि मैं चोरी करूँगा, मैं चोरी करूँगा, हरण का मतलब चोरी करना। तो हरी हरी जो कह रहा है इसका मतलब है कि मैं इस मकान में चोरी करूँगा, किसी मकान को देखे हरी हरी बोलता है मतलब इस मकान में अब मैं चोरी करूँगा, रात में चोरी करूँगा। तो उस मुसलमान ने कहा मैंने तो यही बोला था इनको कि ये लोग जो है हरी हरी इसलिए बोलते हैं, तो एक प्रकार से मजाक करने के लिए उनका जो है मजाक करने के लिए जो है उसने बोला। तो उसके मुंह में ही हरी हरी आने लगा, अब वो भी हरी हरी बोल रहा है, हरी हरी बोल रहा है। चांद का जी तुम क्यों बोल रहे हो, मैंने तो ऐसे ही बोला था इन लोगों को मजाक उड़ाने के लिए कि हिंदू लोग जो है हरी हरी बोलते हैं, हैं तो ये जो है मतलब चोरी करने के इरादे से हरी हरी बोलते हैं। और मेरे मुँह में पकड़ गया, नाम पकड़ गया, अब जो है वो मेरे नाम से ये नाम मेरे मुँह से निकल रहा है, मैं नहीं चाहता मेरे मुँह से नाम निकल रहा है। तो ये मतलब बड़ी गहरी जो है बातें हैं कि हम जो है नाम के अपराधों से बचें। इसलिए नाम के हम 10 अपराध रोज़ बोलते हैं, नाम के 10 अपराध रोज़ बोलते हैं कि भाई हम 10 अपराधों से बचें तो हमें नाम की जो है शक्ति प्राप्त होगी। और नहीं तो नाम करते हैं तो उसमें कहा गया है कि कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब उतन पाए कृष्ण प्रेम कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म तो करते रहो तो कृष्ण में प्रेम धन नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो है मतलब चीज़ है कि भाई अजामिल नहीं जानता था। अब इस बात को लेकर के कुछ प्रभुपाद के शिष्य लोग जो है सोचने लगे कि प्रभुपाद ने ये कहा कि अजामिल नहीं जानता था इसलिए उसका अपराध नहीं हो रहा था और वो पाप कर रहा था। तो ये तो फिर जो है अच्छा नहीं हुआ कि हमें ये बात बताई गई नाम के अपराध। तो अगर हम भी नाम के अपराध अगर ना जाने तो हम भी सब तरह के उल्टे सीधे काम कर सकते हैं और अजामिल की तरह हमारी रक्षा हो जाएगी। तो वे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास गए। साइकियाट्रिस्ट है ना, जो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानसिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक, उनके पास गए हैं कि हम जो है प्रभुपाद को भूलना चाहते हैं, हम प्रभुपाद को भूलना चाहते हैं है? और है? ये सब जो है अपराध नाम अपराध हम भूलना चाहते हैं। तो मनोचिकित्सक पर ये सोच करके कि अजामिल की तरह फिर हमको भी जो है पूरी छूट मिल जाएगी, सब तरह के पाप कम करेंगे और मुँह से नाम निकलेगा। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध बन गया कि आप भूलना चाहते हैं, आप भूलना चाहते हैं नाम के अपराधों को, आप भूलना चाहते हैं है ना। तो कई लोग इसलिए नाम के अपराध नहीं बोलते, हम नाम के अपराध नहीं बोलेंगे। क्यों, नाम का अपराध बोलेंगे तो हमें पता होगा कि नाम का अपराध हम कर रहे हैं, तो हम जो है नाम का अपराध नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हमें पता नहीं है कि हम अपराध कर रहे हैं तो हमारी रक्षा हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध कि आप जो है नाम के अपराधों को भूलना चाहते हैं। तो ये सब जो है नाम के बल पर पाप करने का जो है अपराध इसमें लग रहा है। वो प्रभुपाद को भूलना चाहते हैं, हम प्रभुपाद को भूलना चाहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद इस तरह से बता रहे हैं कि भाई अपराध करने से जो है नाम से जो है कि शक्ति नहीं मिलेगी, तो हम प्रभुपाद को ही भूलना चाहते हैं। अजामिल की तरह, अजामिल को ना तो प्रभुपाद मिले थे ना किसी ने नाम के अपराध बताए थे, तो अजामिल की रक्षा हो गई। तो हम भी चाहते हैं अजामिल की तरह, हम भी अजामिल की तरह बनना चाहते हैं, हमें भी कोई ना बताए कि नाम के अपराध ये होते हैं और हमारे मुँह से नाम निकले। अब नाम भी कैसे निकलेगा, जब कोई व्यक्ति इस तरह से अगर सोचता है कि हमें नाम का अपराध पता न चले और पाप करते रहें और हमारे मुँह से नाम निकले है ना, तो नाम भी जो है कैसे निकलेगा है ना। तो अजामिल का जो है क्या था कि बचपन में ही वो जो है सच्चे हृदय से वो जो है भक्ति कर रहा था है ना, तो अपने पिता के साथ जो है वो पूरी जो है मैं पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था भगवान की पूजा का और बिल्कुल सच्चे हृदय से कर रहा था। तो फिर आगे चल करके उसके साथ ऐसी जो दुर्घटना हुई कि वो जो है बहुत पापों से दूषित हो गया है ना, लेकिन अजामिल अपने पुत्र के नाम के जो है द्वारा उसकी रक्षा हो गई।
तो ये चीज़ प्रभु पाते हैं एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है, ये आकस्मिक, ये जो है मतलब हुआ कि उसने कुछ नहीं सोचा था कि भाई मुझे ना पता चले नाम के अपराध क्या होते हैं, उसने तो नहीं सोचा था कि मुझे ना पता चले। अब आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ना पता चले, हैं ये लोग नाम के 10 अपराध रोज़ बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे मैं नहीं जानना चाहता है कि नाम के अपराध क्या होते हैं, तो मैं जो है कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है, वही सब पाप है, नाम के बल पर पाप करना। अब मैं नहीं जानता अपराध, मैं नहीं जानता है, तो आप सोचते मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता है ना, तो जितना बोलते नहीं जानता उतना ही आप जान रहे हैं। आप बोलते मैं नहीं जानता ये अपराध हो, मैं नहीं जानता, तो आप उतना ही जान रहे हैं, कह रहा है। तो सब चीज़ें बड़ी सूक्ष्म होती हैं, कोई व्यक्ति जो है अब इस तरह से कोई जो है शॉर्टकट नहीं कर सकता। हमें अब यह है कि वैष्णवों के समाज में है नाम का पहला अपराध सबसे खतरनाक अपराध, सताम निंदा नाम ना परम अपराधम वितुनते, भक्तों की निंदा करना परम अपराध है, बाकी सब अपराध नीचे आते हैं, सबसे बड़ा अपराध है ये। यथा ख्याति में आत्म कथम उसहते तद विगढ़ियाम, जिनके द्वारा नाम को ख्याति प्राप्त हुई, तो जिन भक्तों के साथ रह करके आप जो है नाम कर रहे हैं और नाम का जो है आपको अभ्यास करने को मिल रहा है और प्रोत्साहन मिल रहा है, उनके द्वारा जिनके द्वारा नाम को ख्याति प्राप्त हुई, तो नाम कैसे उनकी निंदा सहन करेगा। कोई कहता नहीं हम तो गुरु की, हम गुरु को ही केवल मानते हैं, हम सब इन सब भक्तों की कोई चिंता नहीं है, गुरु को मानता हूँ। तो गुरु का अपराध तो तीसरे नंबर में आता है, पहला अपराध तो यही है जिनसे आपको नाम मिल रहा है, जिनसे आपको नाम को ख्याति मिली है ना, गुरु का अपराध तो बाद में आता है ना, गुरु को तो आप जानते भी नहीं, आपने इनसे नाम सीखा ना। इसलिए बहुत हमें जो है सावधान रहना चाहिए, जिन भक्तों के द्वारा हम कुछ सुनते हैं, हम कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं और नाम लेने में हमें कुछ जो है शक्ति मिलती है, उनकी संगति से हमको नाम लेने में प्रोत्साहन मिलता है, तो हम जो है बहुत सावधान रहे। ये भी नहीं कि हम भक्तों की संगति से दूर रहेंगे, मेरा अपराध हो रहा है तो मैं जो है भक्तों की संगति ना करूं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आग की जो है आवश्यकता होती है, लेकिन आग में आप हाथ ना डालो और आग से आप काम भी निकालो, तो इसी प्रकार से वैष्णवों की संगति भी करो और वैष्णवों का अपराध ना करो, तो ये दोनों बातें जो है एक साथ हो सकती हैं। आप आग से कितना काम करते हैं, है ना, रोज़ अगरबत्ती जलाते हैं, सब करते हैं, आरती जलाते हैं, हम आरती लेते भी हैं, लेकिन साथ साथ बच करके भी रहते हैं कि आग में अपना उंगली ना जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो वैष्णवों के संग में रह करके आप अपराधों से आप बच करके रहो, ये भी जो है संभव है, है ना। तो ये हमें नाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपने अपराधों से बचाएं। हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं तो इससे जो है हमारे मन में विचार आता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे 10 अपराध होते हैं, इनसे हैं ज़रूरी है कि हमारी रक्षा हो, उन्हें तो नाम की शक्ति काम नहीं करेगी, रोज़ हम लोग इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस विषय में बहुत प्रकाश डालते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं सोच रहे कि ठीक है हम तो बहुत सीनियर हो गए, हम तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, अब एडवांस उन्नत हो गए हैं, इसलिए अब जो है इन छोटे भक्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब भक्तों के दर्शन से हमारा मन पवित्र होता है और इन भक्तों की जो है नाम निष्ठा से हमारे अंदर भी रुचि पैदा होती है नाम में, नहीं तो हमारे अंदर भी रुचि नहीं होती नाम की। तो ये सब जो भक्त हैं इनकी संगति में हम लोग जो है पवित्र हो रहे हैं और हम अपराध से बचें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।